हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आप सभी का आपके चैनल एम स्टडी में स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम लोग नई सुबह पर 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न को लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में ही अपने सभी ग्रुपों पर वीडियो को शेयर करें और एक लाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी बायोग्राफी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लॉन्च की गई है? आंसर होगा मनोहर पारिकर की बायोग्राफी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लॉन्च की गई है। दोस्तों, मनोहर पारिकर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका की पिछले वर्ष निधन हो गया। वे भारत सरकार के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे, उन्हीं की बायोग्राफी ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के राष्ट्र के रूप में किस प्रकार कार्य किया था? आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे और ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। दोस्तों, इन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया। अभी इनका 17 मार्च कल ही इनकी 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते वो बांग्लादेश नहीं जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने बचत खातों से न्यूनतम बैलेंस शुल्क माफ किया है? आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बचत खातों से न्यूनतम बैलेंस शुल्क माफ कर दिया है। अब यहाँ पर नाम स्टेट बैंक का आया है, तो हम स्टेट बैंक के बारे में आप लोगों को बताते हैं। स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी और स्टेट बैंक के वर्तमान के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं और स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। यहां से दोस्तों दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनते हैं। पहला कि भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक कौन है? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरा क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 100 प्रमुख बैंकें हैं सबसे बड़ी, उसमें भारत की सिर्फ एक ही बैंक है जिसको शामिल किया गया है और इसका स्थान 55वां नंबर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पत्रकार पाटलिपुटप्पा का हाल ही में निधन हुआ है? आंसर होगा कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध पत्रकार पाटलिपुटप्पा का हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीएलटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा एनसीएलटी के नए अध्यक्ष बंसी लाल भट्ट बने हैं। अब यहां बात एनसीएलटी का ही है, तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आना चाहिए कि आखिर एनसीएलटी क्या है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और दोस्तों इसकी स्थापना 1989 में 1989 में हुई थी और यह सबसे पहले तो यह टेरर फंडिंग देखता है और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग देखता है। सर्वप्रथम इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को ही शामिल किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब जो पैसों का जमाखोरी होती है, हेर फेर, जिसे काला बाजारी कहते हैं। बाद में जब यूएसए में अटैक हुआ 26/11 का, तो उसके बाद में इसमें टेरर फंडिंग को भी शामिल कर दिया। तो इतना आप लोगों को इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वित्तीय बाजारों को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? आंसर होगा अपनी सभी वित्तीय बाजार, जिनको कि कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया गया है या बंद कर दिया गया है, ऐसा दुनिया का पहला देश फिलीपींस बना है। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पेसो। वीडियो पसंद आ रही हो
तो अपने सभी ग्रुपों पर इसको शेयर कर दें और एक लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इम्तियाज खान का निधन हुआ है, वह कौन थे? आंसर होगा, इम्तियाज खान एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपैक्स यात्री नौका सेवा कहां शुरू की गई है? आंसर होगा, महाराष्ट्र में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए रोपैक्स यात्री सेवा प्रारंभ की गई है, जो कि एक बहुत बड़े जलयान के द्वारा लगभग इसमें 1000 कारें और 3000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है, यही है रोपैक्स सेवा, इसी से यात्रा करने की सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए एगॉन के साथ समझौता किया है? आंसर होगा, फ्लिपकार्ट ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए एगॉन के साथ समझौता किया है। अब यहाँ बात फ्लिपकार्ट की आई है, तो फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी और इसके संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं और फ्लिपकार्ट का मुख्यालय हेडक्वार्टर बंगलौर में है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा एयर ट्रैफिक टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर होगा, भारत के सबसे लंबे एयर ट्रैफिक टावर का उद्घाटन इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार लगातार करंट अफेयर की श्रृंखला देखते रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।